तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रही है वैसे तो देखी जाए तो, क्योंकि हम लोग आज 12 बजे निकले हैं. आज है 15th of August. गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल. सो यस, आज है इंडिपेंडेंस डे. आज हमने सोचा क्यों ना आज चला जाए कहीं बाहर, गेड़ी मार के आई जाए, लिटिल सी मोटो राइड भी करी जाए, क्योंकि हम लोग निकल गए थे राजस्थान सीरीज में. आपने देखा होगा हम लोग राजस्थान में थे. पहले हम उत्तराखंड घूमे, फिर उसके बाद राजस्थान निकल गए. ऐसी दो ट्रिप हमारी कंटिन्यू सी हो गई. तो हमने सोचा क्यों ना डेली व्लॉग हमारा मिस कर रही होगी हमारी ऑडियंस, तो आज हम लोगों ने चालू करने की सोची. तो सोचा हम लोग आज चलते हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉग की तरीके से निकलते हैं यहाँ से. और आज जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है 15th of August है, हम लोगों को देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें. टाइम देखा आप लोगों ने, 1:15 हो रहे हैं. आई नो मैं टाइम का बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ, बट कोई बात नहीं जी. हमारे स्मार्टी राइडर निकलते हुए तो मेरा माइक का इशू हो गया था. माइक से पहले ये देखो पशुपतिनाथ जी देखे, यह शायद ना आप सबों ने देखा होगा. थोड़ा माइक का इशू हो रहा था, वॉइस क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा वॉइस ओवर कर देते हैं. तो इसलिए आई होप आप लोगों को अभी आवाज़ साफ आ रही होगी, एकदम समझ में आ रही होगी चीज़ें. सो गाइस, ये देखो पापा का बड़ा बेचारा मासूम था, बट कोई बात नहीं, लेट इट बी करते हैं इसको. हम लोगों को तो और भी काम करने हैं, अभी चलते हैं. अब गाइस ये सीन देखो आप. नहीं कहाँ, मैं गुजरा हूँ, तुम गुजरे हो. पहले सिनेरियो वाले मारूंगा यार. तो भाई यार, अभी रोड रहे हो याती? शायद अभी रोड रहे हो याती. फिर आप लोग भी नहीं कह पाते कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो नहीं थी. देखो हम तो अपने आराम से अच्छे से तरीके से जा ही रहे थे अपने, और पीछे अभी लड़के रुक गए ढुंडलवाने. जब तक वो ढुंडलवा के आ रहे हैं अभी हो जाती है. रोड रे छावा काम है फालतू में, तो मार मार और देनी पड़ती. क्यों भाई से ना मार और देनी पड़ती है अभी वाले समय. तो कुछ ऐसे ही अनजान लोग मिल जाते हैं हमें एकदम नमूने से चलते फिरते रोडों पे. ये देखो एकदम फुल तरीके से, एकदम फुल सेलिब्रेट से चलना आपका पूरा ऐसा भी है. गाइस फाइनली हम लोग आ गए दुकान के बाहर. अभी देखते हैं सामान हमें मिलता है या नहीं मिलता. चल जल्दी लेते हैं और कुछ सामान लेते हैं हम लोग का. तो गाइस हम लोगों ने स्टफ खरीद लिया अपना, ये रहा और हमारा ये रहा माल. इसको इकट्ठे हुए अभी हम लोगों ने सोचा था कि आज जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं स्कूल वगैरह नहीं जाते, बहुत से लोग जो होते हैं, तो उनको जाके आज मतलब बिस्किट वगैरह बांटते हैं, क्योंकि जितने कैपेबल थे उतना करेंगे और कोशिश करेंगे जितना है उतना करने की. अभी इसको सामान का इकट्ठा करते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं एकदम गुड टू गो. और सर क्या कहना चाहोगे? यस, बहुत मजा आ रहा है मंदिर आए थे दर्शन में. और क्या बताए नहीं भाई पब्लिक को. गाइस जे लौंडा पहली बार आया था ब्लॉग में. नहीं, दूसरी बार का, पहली बार कब आया था? हाँ, रिमेंबर वेरी वेल, ये मूवी वाले में आया था. और दक्षिणमुखी हनुमान यहाँ पे करते हैं इंतजाम अपना सामान का, मतलब बांटेंगे अच्छे से और भी आप लोगों को फिर दिखाएंगे कुछ. तो यस गाइस, हम लोगों ने पूजा वगैरह कर ली, अब हम लोग अपना मतलब जैसे जो हमने लिया था अब उसको हम बांट रहे हैं. देखो अपने लड़के बांटने में लगे पड़े हैं. सो दिस इज सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे. सो यस, अगर आप लोग जैसे जो भी एलिजिबल है, सो गाइस प्लीज़ करते रहना चाहिए ऐसे सब कुछ जो लोगों को नीड है जिस चीज़ की, करना चाहिए. हम लोग जिस कैपेबल थे हमने वो चीज़ अभी कर रहे हैं. आगे कोशिश करेंगे इन फ्यूचर और भी जो चीज़ कर सकेंगे हम लोगों की, जिस चीज़ की कैपेबिलिटी होगी हम लोग बिल्कुल करेंगे उन चीज़ों को. और आप लोग भी करना एकदम फुल, एकदम अच्छी बात है, करना भी चाहिए ये सब चीज़ें. बट कोई नहीं, जो लोग नहीं थे कैपेबल उनको हम लोग कराएंगे ना प्रोवाइड. सो इसलिए अच्छी बात है हम लोग कर रहे हैं और आप लोग भी करो. ओके गाइस, ऐसे अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है. इधर तो हो गया ना, तो कहीं और चलेंगे अब. हैं जो बांट के चलेंगे पर आज पूरा. अब क्या कह रहे हो? अरे आश्रम तो है ना. अरे संजय पहले सिर्फ बहुत बच्चे मिलते भैया, क्या हो गया भैया प्रशांत भाई?
तुम्हारा भैया खेल हो गया क्या हुआ क्या था ये चुपकली बैठ गई इसकी पीठ पे बड़ी पानी में देखो गोरी जमीन पे पानी पानी कहाँ है तेरी वो पैर चढ़ा इतना गाइस मंदिर के अंदर भर गया पानी चले बता चले चले निकले निकले टेंशन हो गई थी गाइस हमें इसको हमारे टीममेट को हो क्या गया जीटीआ को कुछ हो जाता है क्या अंकल का कहते हैं जी भैया का कहते हो भैया आपका खेल हो गया मुझे लगा मुझसे हो गया तू तो फेल हो गया मैं यार फेल हो गया पेपर भी नहीं दिया वो चप्पली वो पूरा सब घूम गया भाई वो चकली की तरह पर चकली की तरह चकली गाइस वो तो समय पूरा नजारा दिखाते हम लोग कैसे क्या सीन हुआ था निकला मैं निकला बताओ नहीं भैया अभी यार पानी पानी पड़ गया तो इसी मारे अब हम लोग रुके हुए हैं थोड़ा लेट्स सी कितनी देर पानी पड़ता है गाइस हम लोग मंदिर के बाहर आ गए पानी अभी बंद नहीं हुआ है बट निकलना तो हमें था ही अंदर भी बोल रहे थे कि मतलब ऐसे अंदर भी पानी आ ही रहा था नहीं नहीं तो इसलिए हमें निकलना तो पड़ा ही क्या कर सकते हैं अब स्ट्रगल तो करेंगे ही थोड़ा सा बट जी देखो मैं चाह भी रहा था कि बहुत दिनों से अपनी बाइक धो लूँ नेचर ने आज फुल सपोर्ट दिया है और थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी किया है कोई नहीं पर हम लोग अब यहाँ से अभी घर वापस नहीं जा रहे हैं मे बी और जहाँ पे भी जाएंगे वो तो आपको दिखाएंगे तो लौंडो अभी हम बाइक अपनी साफ करते हैं और यहाँ से फटाख से अब निकलते हैं गाइस पहली बार हम लोग राइड कर रहे हैं शायद बारिश में ब्लॉगिंग भी फर्स्ट टाइम हो रही होगी शायद बारिश में ऐसा पहली बार ही ऐसा कुछ कहाँ आ रहे हैं मोहिनी आलम मोहिनी आलम चले हेलमेट दे दियो हेलमेट इसे हेलमेट दे दे इसे हेलमेट निकाल दे इसमें से तुमको हेलमेट लेना है इनको हेलमेट पहनना है पहन लिया हेलमेट पहले ब्रो राजा बोलो एंजॉय हो रहा है कि नहीं बारिश में सिस्टम है भाई चलो चलो अब सही है जरा अरे ये क्या हुआ गाड़ी बंद हो गई क्या उसकी रिएक्शन 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 टम्पू में रिएक्शन ये यार एकदम वो कहाँ रहेगा शिवम
बाइक आ जाएगी, गारंटी की बात है। बस सपोर्ट करते रहो, जल्दी से जल्दी कराते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ एकदम, और लोडो कमेंट करते नहीं हो आप लोग, कमेंट किया करो। आप लोगों को जैसे किसी भी टॉपिक पे कंटेंट चाहिए ना कि भाई इस टॉपिक पे कंटेंट बनाओ, या फिर इससे रिलेटेड ब्लॉग बनाओ, या यहाँ का ब्लॉग बनाओ, बिल्कुल बेझिझक बोलो भाई, आप लोगों का चैनल है ये, केवल बताते रहो आप लोग कहाँ का ब्लॉग चाहिए आपको, कहाँ का नहीं चाहिए, एकदम फुल सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। बाकी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट ना करूँ, अगर गलती तो हो भी रहे हो ना तो सॉरी उसके लिए, बट मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एकदम और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रखूँ एकदम प्यार से, समझ रहे हो। तो बस आप लोग भी एकदम सपोर्ट बनाए रखना। ओहो, तो पानी और भरेगा पता भी नहीं है, कागटे हैं कागटे नहीं है। साईं बाबा का मंदिर रास्ता देखा है, ये आगे चले आओ, चलो आगे हैं, और रावली मंदिर चलना है, ओए रावली मंदिर, रावली मंदिर ले लो, रावली मंदिर चलना है, अबे रावली मंदिर पहले पड़ेगा, रावली मंदिर ले ले पहले, रावली मंदिर सोचा था कि मतलब अब ये लिया है ना प्रोजेक्ट, तो मतलब अभी वैसे बात से ही चले गए, बट लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बारिश में मज़े आती है, थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, बट ये है कि हाँ मज़ा आ रहा है बहुत दिनों बाद बाइक चलाने को बारिश में एकदम, प्लस हवा ठंडी ठंडी, फुल चिलिंग, जोमेटो वाले भैया बेचारे इंतज़ार करते हुए बारिश थमने का, क्या करें, शायद ये डिलीवरी कर दी होगी, नहीं तो ये रुकते नहीं है वैसे भाई, इनको भी एकदम डिलीवरी की एकदम फुल चली है, बहुत मेहनत करते हैं भाई ये लोग, बहुत दिन रात एक कर देते हैं, तगड़ी मेहनत करते हैं। तो प्यास लगी है पहले भी शायद, पहले इनसे पानी लेने लगे रुकते हैं, इधर आता था टॉयज लेने बचपन में, जो दुकान देखी आपने, मैं बचपन में रिमोट कंट्रोल्स वगैरह आरसी वगैरह सब यहीं से उठाता था, एकदम चॉपर वॉपर उठा लेता था, खिलौने वाले, वैसे चॉपर नहीं खिलौने वाले, यहीं से उठाता था मैं सारे, और ये है रास्ता रावली मंदिर जाने का, भाई से स्कीट मारते हुए, ओ भैये ओम ओ पानी पानी पानी, रेल आ गई रेल, क्या मंदिर तो मैं भी नहीं आना, किस तरफ है मंदिर, किस तरफ है भाई, वो पूछ रहा है, चिका वो आगे बता, आगे रास्ता नहीं है, पीछे ले है, पीछे ले, ओ पीछे ले, चेहरा हटे उधर, ओ वैसे की यार कहाँ फंसा दिए इनने, वो पूछ रहा है यहाँ पे आके केदारनाथ के लिए रास्ता कहाँ है, रुक जा केदारनाथ, देखियो जरा हेडलाइट टूट गई क्या, इसकी आप टेंशन हो गई क्या, पड़ गया ये मंदिर कहाँ है, जय मंदिर है आगे लेन दे, गाइस जय केदारनाथ, हाय गाइस।
अंकल केदारनाथ रास्ता काट के और मैंने कहा था ना अच्छे एक्टिव अंदर घुसेड़ते चले आ रहे थे हमारे लौटे आगे रास्ता ही नंगे बेटा देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है तो बात देगा अभी रुको जगह यहाँ हेलमेट रख दिए क्या कह दिए थे ना बाबा से बाबा से ऐसे मूड मार रहा है जब बाबा कह रहे होंगे चप्पल जूते को पहन के आएगा दे टोपा अबे घर नहीं है मंदिर ही होगा चलो जय बोलेगी वो कहाँ है सामान सामान उठा गया चप्पल पहन जा किसी की इसकी वो ले एक चाबी तो ले एक एक टाइम रखा हुआ सामान एक टाइम है काम में चला जी है गाइस मंदिर अंदर का पक्षी कर ले लौटो हैं ओके कुछ कहेगा कोई बात नहीं आप किचन पे गाइस प्लान में चेंज अब हम लोग जा रहे हैं घर बैक टू द होम स्वीट स्वीट होम और शाम का सोच रहे हैं फोकस करो कैमरामैन यस सो गाइस अब हम लोग ठीक है लौंडो ओके अंकुश यादव कैमरा क्या है शांत याद आवे तू केदारनाथ चचे से केदारनाथ का एड्रेस पूछा था चचे ने भी हमें बहुत अच्छा एड्रेस बताया कि जे रास्ता नहीं है बहुत दूर से है नाली वाले पार्क प्लान में चेंज बहुत ज्यादा आ गया अब तो हम निकलने घर हैं अब शाम को मे भी अब फोकस नहीं कर रहा है कैमरामैन कैमरामैन कहाँ गया कैमरा हाँ भैया तो गाइस अब हम लोग अब करते हैं देखते हैं अगर शाम को चलते हैं फिर करते हैं कंटिन्यू